अच्छा यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन का कीमा लिया, इसमें हम शामिल करेंगे वाइट पेपर एक खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, नमक आ गया, लहसुन आ गया इसमें एक खाने का चम्मच, प्याज चॉप किया हुआ आ गया इसमें दो अदद, और इसके बाद कीमा नरम था बहुत बिल्कुल, आप देखें इसको हाथ इसमें ऐसे करो, ये पानी इसमें बहुत है और इसको हमने कंट्रोल करना है, और ये कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए जाएँ, अदरवाइज ये पॉपस्टिक्स नहीं बनेंगे। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दें, अगर कीमा नरम, अगर नरम नहीं भी है तो थोड़ा बहुत शामिल कर देंगे तो जोड़ के रखने में इसको कारामत साबित होगा। बड़ी सिंपल रेसिपी, चिकन का कीमा, इसके बाद इसको खूब अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, फिर इसकी बॉल्स बनेगी, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। ये पॉप स्टिक्स आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब चाय निकाला डीप फ्राई किया और सर्व कर दिया। अब आपको सिंपली इसका तरीका बताते हैं। ये आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं ये इस पर लगेगा, और आपने सिंपली एक छोटी सा बॉल बनाया, इसके बाद ये पॉप स्टिक्स पे ये आपने बॉल लगा दिया। इसका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है, ये अब सही हो गया। अच्छा, स्टिक्स पे इसको पहले टिकाना बहुत ज़रूरी है, इस पे अगर आपने सही टिकाया नहीं तो ये डीप फ्राइंग के दौरान निकल जाएगा, और टिकाने का तरीका ये है कि इसकी जो यहाँ पर जोड़ है ये आपने प्रेस करना है, बस यहीं से खुलता है, बाकी नहीं, बाकी कोई इशू नहीं है। और इसको पहले शेप अप कर दिया। इसका बेस्ट तरीका ये, इसको बना के आप थोड़ा फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि इसकी शेप मेंटेन रहे। इसके बाद सिंपली आपने इसको पहले मैदे में डिप किया, फिर अंडे में, और फिर ब्रेड क्रम्स, दैट्स इट, बस ये आपके पॉप स्टिक्स बन गए चिकन, सिंपल। ये जो अभी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट चिकन नगेट की भी रेसिपी है, टेस्ट ऑलमोस्ट इसका वैसे ही होगा। एक दफ़ा ये बना ली, इसके बाद एक प्लेट ले लेते हैं और ये एक एक करके इस पर सेट करेंगे, बस सिंपल काम, मिनटों में तैयार, देखने में भी अच्छी रेसिपी है, जायके में भी बहुत मज़े की है। सो एक एक करके बॉल पहले बनाएं, ये देख, बस आँच में ऐसी कम कर देता हूँ, राइट टेम्परेचर है बिल्कुल, एक एक करके इसको थोड़ा शेप अप करते जाएँ, और ये आ गया। और इसको सर्व करने के लिए चिली गार्लिक सॉस और केचप और या मेयोनीज, ये तीनों चीज़ें इसके साथ बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, और ऑन इट ओन भी बहुत अच्छा है। कुकिंग टाइम इसका 6 से 7 मिनट मैक्सिमम। चिकन पॉप स्टिक्स, अच्छा चिकन का कीमा आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 2 कप, नमक 1.5 चाय का चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मचे, प्याज 2 अदद दरमियानी, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, अंडे पिटे 3 अदद, मैदा 1 कप, पॉप स्टिक्स 1 दर्जन, तेल तलने के लिए।